हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गेट क्लास मैक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ऑटो साइकिल से कुछ गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, इसमें हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये गेट 2002 में 2 मार्क्स का आया हुआ था। ये चलिए प्रॉब्लम को पढ़े देखो। इन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8.5। इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एयर इज 1.5, व्हाट इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। कभी कभी प्रॉब्लम क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट रेशियो नहीं दिया हुआ। यहाँ तो दिया हुआ, क्या क्या पहले दिया हुआ सब देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या करें, आप 8 से जो नोट कर लें तो इस टाइप से लिख लें, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक दोनों को सेम हो जाएगा, नहीं तो इसलिए आर को इस टाइप से लिख लें। उसके बाद ये हो गया स्पेसिफिक हीट रेशियो, आपका दिया हुआ 1.4। तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ रहा है, इफिशियंसी ऑटो साइकिल का इफिशियंसी फाइंड करना पड़ रहा है। सिंपल ऑटो का इफिशियंसी का फार्मूला यूज कीजिए, 1 - 1/r^γ - 1। इसको गामा बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो को। उसके बाद आप वैल्यू पुट करें 1/8.5 इक्वल टू गामा -1.4 - 1। सो 1 - 1/8.5^0.4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इस टर्म का पूरा वैल्यू आ जाएगा 0.4248। उसको 1 में माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5753 मीन्स 57.53%। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, 57.53। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है। देखो ये सिंपली से प्रॉब्लम था, कितना ईजी था। इसमें क्या था, इफिशियंसी पर इफिशियंसी का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, 1 - 1/γ - 1/r^γ - 1। ये इसको अभी आप कर लिए, मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। चलिए फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। ये गेट 2003 2 मार्क्स का आया हुआ है। चलिए इसको प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है। फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑटो साइकिल में, तो दिस क्लियरेंस वॉल्यूम 10% ऑफ द स्वेट वॉल्यूम। इसमें देखो सबसे पहले क्या कारण, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा वो फाइंड। क्लियरेंस वॉल्यूम अपना कितना दिया हुआ है, VC इक्वल टू 10% ऑफ VS। यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से VC / VS लिख सकते हैं 10%, 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1। ये 0.1 हो गया। कंप्रेशन रेशियो अपना क्या होता है, आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, VS + VC / VC। तो ये क्या होता है, 1 + VS / VC। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + उसके बाद देखो ये अपना क्या दिया हुआ है, 1/0.1। ये देखो अपोजिट में VC / VS फाइंड किया 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो अपना कंप्रेशन रेशियो कितना आ गया इसमें, 11। कंप्रेशन रेशियो जैसे आया उस कंप्रेशन रेशियो क्या करना है, इफिशियंसी के फार्मूला पे आप पुट करो, वहाँ से आपको आंसर निकल जाएगा। कंप्रेशन रेशियो γ - 1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/11^1.4 - 1, तो 0.4। इसको सॉल्व करिए, इस टर्म को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 - 0.61/1.67। उसके बाद 1 - आंसर कर देंगे तो ये
इसका हो जाएगा सर फ्रेंड्स, ये टोटल जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.6.67। इसको जब परसेंटेज में ले लेंगे तो 61.67%। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 61.7, ऑप्शन डी से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61.7%। अब देख लीजिए कि इफिशेंसी से कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है, इसी टाइप से प्रॉब्लम आता है इफिशेंसी में ऑटो साइकिल से। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम गेट 2004 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। ये सब पुराना पुराना प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम इसलिए लिए हैं कि इससे अपने को क्या है बेसिक समझना है, वो समझ लेंगे उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको अपन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इन SI इंजन वर्किंग ऑन द आइडियल ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो 5.5, द वर्क आउटपुट साइकिल इज इक्वल टू इतना VC जूल, वेयर VC इज द क्लियरेंस वॉल्यूम द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखो ये गेट 2001 में आया हुआ प्रॉब्लम, तो सॉरी फ्रेंड्स मैम 2004 लिख दिए थे गलती से, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2001 में आया हुआ, लेकिन इसमें इसे आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट आप गेन कर सकते हैं इसे। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फ्रेंड्स अच्छे गौर से देखें इसको और इसको समझने की कोशिश करें। देखो एक तो आपको सबसे पहले मीन इफेक्टिव प्रेशर PMEP इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू होता है वर्क डन, बस आपको ये याद करना है, ये इक्वेशन को आप याद कर लेंगे तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे गेट के प्रॉब्लम को। तो देखो इसको आगे से बढ़ाते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर तो अपने को फाइंड करना है, तो हो जाएगा वर्क डन अपॉन स्टोक वॉल्यूम, वर्क डन अपना देखो डाटा में दिया हुआ है 23.62, इसको आप पुट कर लीजिए 23.625 इंटू 10 to power 5 BC के साथ में अपॉन BS, इसको आप आगे सॉल्व कर ले, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, उधर दिखाई थोड़ा अच्छे से क्लियरली नहीं दे रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 23.625 इंटू 10 to power 3 अपॉन 20 को क्या करेंगे नीचे टल जाते हैं BS अपॉन BC, इसमें एक नया टर्म आ गया इसलिए वो आपको समझ नहीं सकते। देखो कंप्रेशन देखियो इक्वल टू क्या था BS प्लस BC अपॉन BC, तो यहाँ से देखो 1 प्लस BS अपॉन BC, तो अपना ये 5.5 दिया हुआ है, 1 इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंप्रेशन जो BS अपॉन BC, तो यहाँ से BS अपॉन BC अपना क्या हो जाएगा 5.5 - 1 = 4.5, तो ये अपना क्या करेंगे BS अपॉन BC का वैल्यू डायरेक्ट क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे, तो क्या कितना आ गया इसका वैल्यू BS अपॉन BC मतलब स्टॉक वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 4.5। यहाँ BS अपॉन BC का वैल्यू कितना 4.5 निकले, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4.5 23.625 इंटू 10 to power 5 अपॉन 4.5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25 इंटू 10 to power 5, तो ये देखो ये तो आपका आ गया पास्कल में, तो ये पूरा 10 to power 5 हो गया मतलब
10^5 पास्कल इक्वल टू होता है 1 बार, तो ये हो जाएगा 5.25 bar मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, 5.25 ऑप्शन बी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 5.25। फ्रेंड्स तो इसी टाइप से ये प्रॉब्लम आता है इसमें वर्क डन। ये न्यू एक न्यू फॉर्मूला था ये, इससे पहले कि हम इस वीडियो मतलब ऑटो साइकिल का PVTS डायग्राम और उससे रिलेटेड फार्मूला बताए तो वहाँ हम मीन इफेक्टिव प्रेशर फार्मूला को नहीं बताए थे, तो ये एक ये तीसरा फार्मूला भी था उसमें से। इस तीन फार्मूला सब मैक्सिमम ऑटो साइकिल के सारे प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।